मदर रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक और अरबी की सब्जी। पहले भी मैंने एक अरबी की सब्जी बताई है, लेकिन ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ अरबी की सब्जी। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरबी ली है, ये आधा के जी अरबी है जिसे मैंने बॉईल करके और इस तरीके से कट कर लिया। आपको जैसा साइज़ पसंद है वैसे आप कट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पीसेस को जो ज़्यादा बड़े थे उसको मैंने छोटे आकार में कट कर दिया है, और कुछ जो छोटे थे उसे मैंने इस तरीके से लंबा छोड़ दिया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे मैगिनेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास कुछ थोड़ा सा बेसन है जो मैं यहाँ पे 2 चम्मच की करी में बेसन डाल रही हूँ, और उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी ये हल्दी छोटी चम्मच है, नमक बस। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। इसे बेसन में अच्छे से हमें कोट कर देना है, तो अच्छे तरीके से आप कोट कर दें इसे। और इधर मैंने कढ़ाई भी ले ली है, उसमें तेल भी रख दिया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे अच्छे से बेसन में कोट कर दे रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारी अरबी अच्छे से कोट हो चुकी है और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो मैं अब इसमें एक एक करके इस अरबी के पीसेस को डालूँगी इस तरीके से, और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, नहीं तो अरबी जो है वो जल जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसके एक एक करके सारे पीसेस को जितनी आ सके एक बार में उतनी आप डालिए, और इसे लो फ्लेम में, लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करके। तो देखिए, ये एक साइड से हो गए हैं, अब इसे मैं पलट लेती हूँ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमें इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हमें इसे दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। ये देखिए, अरबी हमारी हो चुकी है, अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है, और क्योंकि ये उबली हुई है तो इसे ज़्यादा हम फ्राई भी नहीं करेंगे, इसे सिर्फ इतना ही फ्राई करना था हमें। और इसे भी फ्राई होने देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दूसरा पैच भी इसमें डाल दिया है, अब मैं इसे भी दोनों तरफ से फ्राई करके और बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी अरबी को फ्राई करके निकाल लिया है इस तरीके से। और अब मैं इसमें, अब मैंने वही कढ़ाई ली है और उसे सेम कढ़ाई मैंने ली है, और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, ये 2 बड़े प्याज हैं, और उसी तेल में मैंने उसी तेल को मैंने यूज़ किया है। और अब मैं इसे चलाते हुए प्याज का जो रंग है वो चेंज हो जाए थोड़ा सा, तब तक मैं इसे इसी तरीके से चला। तो आप देख रहे हैं, प्याज हमारा हो चुका है, प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ मसालों को दरदरा कूटा है। इसमें है लहसुन, काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च ली थी, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा जीरा, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। अब इस मसाले को मैं इसमें डालूँगी, और इसे भी 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ में अच्छे से भूंज लेती हूँ। इसी तरीके से मुझे इस मसाले को भी भूंज लेना है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो अभी डालूँगी थोड़ी देर में, बट पहले इस मसाले को मैं 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ में अच्छे से भूंज के फिर मैं बाकी के मसाले डाल। ये देखिए, मसाला हमारा हो चुका है, उसी के साथ अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये टमाटर, मैंने एक टमाटर लिया था। वो मसाले में आप चाहें तो इमली का जो बीज होता है, इमली जो होती है हमारी, उसको भी आप पीस सकते हैं, और मसाला आप पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने कूट के डाला, बट आप पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया। उसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। और उसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी ये नमक, वो भी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब में मीट मसाला, और उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, क्योंकि मुझे इमली नहीं मिली थी तो मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इस सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक भूंज लेती हूँ। जैसे मैंने कहा कि अमचूर की जगह पे आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं,
इमली के बीज को, इमली को आप फुला दीजिए और इमली को मसाले के साथ में ही पीजिए। ये देखिए मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है और ये जो बेसन जो मैंने उस समय मैरिनेट किया था उसको मैंने धो के ये पानी निकाल लिया है इस कटोरी में, इस बर्तन को धो के। तो वो बेसन मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ बेसन जो था उसका जो थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट बचा था उसको मैंने निकाल के और इस मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अब मैं 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से भून लूँगी ताकि ये जो बेसन है वो थोड़ा सा इसमें मसाले में पक जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा तेल जो है वो छोड़ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये हमारी अरबी जिसे मैंने फ्राई कर, ये देखिए उस मसाले में मैंने अरबी को ऐड कर दिया है। इसी तरीके से इसे चलाते हुए मसाले के साथ में लो टू मीडियम फ्लेम में मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें एकदम थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसमें। और इसको मसाले को इस तरीके से अरबी में अच्छे से कोट करके और इस तरीके से इसको ढक के 1 से 2 मिनट तक ढक दूंगी। तो देखिए ये अरबी की सब्ज़ी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर आपको ये अरबी की सब्ज़ी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।